जैसे ये विचार कर रहे थे आषाढ़ तो खत्म कल हो जाता है, तो श्रावण बजी दूध का ऐसे विचार कर रहे यहाँ से जाने का, तो संभव है भाई यदि कृष्ण का तकलीफ होने से उसमें और भी दो चार दिन ठहरना हो सकता है, तो और भगवान की अच्छी मर्जी दया है। यही है कि ये जितने भाई चले गए उनको थोड़ा धोखा हो सके, अपने नहीं गए उसके लिए तो कोई हृदय ही नहीं, और समझो पांच दिन बैठे रहो तो क्या अपने घर में ही बैठे। प्रातः काल जो है एक तो भाव का विषय था, बंगाली बाबू का प्रश्न था उसके ऊपर, दूसरा गीता का विषय। बात यह है कि हम लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए जो जल्दी अपना काम बन जाए, तो हम लोगों को मौका देते हैं कितनी उनकी दया है कि भाई अभी तक तुम नहीं कर सके तो और थोड़ा दो चार दिन ठहर जाओ पर काम कर ही जाओ। कठिनता यह हो रही है कि हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि भी हमारी सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य नहीं, पर भगवान एक प्रकार से ये आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारी तो किसी की सामर्थ्य नहीं, हमारी तो सामर्थ्य है। तो भगवान की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका आधार लेकर के और हम लोग यदि ऐसा विश्वास करें कि कोई बड़ी बात नहीं, तो हमारा विश्वास करना ठीक है। भगवान का आसरा पाकर, भगवान की शरण पाकर के तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिसको मनुष्य नहीं कर सके। कठिन से कठिन काम भी भगवान की कृपा से शुभ हो सकता है। तो हम लोगों को यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान की कृपा से, भगवान के आश्रय से कौन सा काम संसार में जो नहीं हो सके, और मन के बीच के वहां उम्मीद रखनी चाहिए और खूब चेष्टा करनी चाहिए, और चेष्टा भी समझो कि भगवान ही कराते हैं, हमारी क्या सामर्थ्य में चेष्टा करते। हम लोगों के विषय ये समझना चाहिए कि हम लोग तो सब निमित्त मात्र हैं, अच्छे काम के करने के वहां भगवान का हाथ रहता है, उनकी सब प्रकार से मदद रहती है और उसकी कृपा से ही सब काम की सिद्धि होती है। जितने जो खराब काम है, बुरे काम है, उसमें भगवान का हाथ नहीं रहता और न उसके वहां भगवान की मदद ही रहती, उसमें तो हम लोगों के स्वभाव का दोष है, उसके कारण ही उसका पतन होता है, स्वभाव के दोष के कारण, और पतन होने का कोई भी कारण नहीं है। इसलिए अपना स्वभाव का सुधार करना चाहिए, जब स्वभाव का सुधार हो जाता है तो बस बेड़ा पार है। और स्वभाव के सुधार के लिए हम प्रयत्न करें तो भगवान की शरण लेने से सफल हो सकते हैं, तो भगवान की शरण का आश्रय लेकर के कोशिश करनी चाहिए, और भगवान तो शरण देने के लिए सदा तैयार रहते हैं। जन्म के देने वाली माता से भी बढ़ करके भगवान की दया और आसरा है।
अब आपको बहुत सी बातें ऐसी सुनाई जाती है जो बहुत भ्रामी है, और एक एक वस्तु आत्मा का कल्याण करने वाली है तो सभी बढ़िया है। उनमें एक भी बात का हम पालन करें तो हमारा कल्याण हो सके, ऐसी बातें। उनमें एक से एक भ्रामी बात है और साधन के मां भी कोई कठिन नहीं, सुगम है और पैसे भी खर्च नहीं होते और काम जो है उसके भी सिद्ध होने की पूरी उम्मीद है। इसलिए हमको खूब विश्वास करके के उसे का सेवन करना चाहिए। एक बात है कि सब प्रकार से भगवान की शरण होना सुगम भी है और सहज भी है और एक पैसे का खर्च भी नहीं, और भगवान बड़ी तेजी के साथ अर्जुन को उसको कहते हैं गीता के कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा प्रांग शांति स्थानं प्राप्सि शाश्वतम। हे अर्जुन, तो उस परमात्मा की शरण जा, उसकी कृपा से परम शांति और अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाए, उसकी कृपा से। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, हे भारत सर्वभावेन सब प्रकार से उस परमात्मा की तू शरण हो जा, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। और शाश्वत जो स्थान है भगवान का, नित्य जो धाम है, शाश्वत माने नित्य, स्थान माने धाम, इस विषय का मां कोई जाति से या आचरण से नीच हो गए तो उसका भी कल्याण हो जाए। मांग ये पार्थ पास ये पिशु पाप यो ने वैश्वासता शूद्रा से भी अंति प्रांग। भगवान ने गीता की 9:32 श्लोक कहा। इस प्रकार की जो मेरी शरण है भगवान कहते हैं सुलभ है, सुगम है। चाहे कोई पाप योनि भी क्यों नहीं हो, पाप योनि से अछूत जाति चाहे नाग आदि, और पाप योनि से पशु पक्षी आदि, तो भगवान की भक्ति करने से पशु पक्षियों को उद्धार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। तो परमात्मा की शरण होना क्या है, उसके ऊपर निर्भर हो जानो सब प्रकार से। एक तो सब प्रकार मन वाणी और शरीर से, वाणी से सत प्रिय हित का वचन बोलना और मन से परमात्मा का ध्यान करना और वाणी से उसके नाम का जप करना और बाकी इंद्रियों से उसकी सेवा करना, तो ये सब प्रकार से शरण की बात कही। और सर्व भाव क्या, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव जीव। हे देव देव, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु, आप ही सखा हो, आप ही सब कुछ हो। विद्या और धन जो कुछ है सो हमारे, तो आप ही। तो सब भाव से माने हम जब कहते हैं कि आप हमारे बंधु हो, सखा हो, तो मित्रता का संबंध स्थापन होता है और मैं आपकी शरण को बार बार स्वीकार होता है। तो भगवान सभी भावों से मिलते हैं और सभी भाव गीता के वहां आते हैं। तो हमारे को सब भावों से भगवान की शरण होना चाहिए, सब प्रकार से भगवान की शरण होना चाहिए। तो ऐसा होने से क्या मिलेगा, अविनाशी जो नित्य जो धाम है वो और परम शांति। तो ये बात सिद्ध हुई कि केवल भगवान की शरण होने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती। इसलिए भगवान जोर देते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजे, हं त्वा स पापे मोक्षयिष्यामि मा सुते। सारे धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल तू मेरी एक की शरण आ जा, मैं तेरे को सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। एक तो यह बात बहुत ही बढ़िया है, हम लोगों को स्वाभाविक ही भगवान की शरण होना चाहिए। भगवान की शरण होने के बराबर कोई मार्ग नहीं है,
भगवान एक प्रकार से शरणागत वत्सल है, जो एक बार भी भगवान की शरण हो जाता है तो भगवान उसका उद्धार के लिए बिना नहीं छोड़ते। दूसरी बात है कि भगवान के वहां श्रद्धा होने से भगवान की प्राप्ति हो, तेज श्रद्धा से, क्योंकि विश्वास हो जा रही थी अपने आप ही साधन तेज होगा, लगन होगी, सब काम आप ही सिद्ध हो जाएगा। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय केवल श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। खूब दृढ़ विश्वास कि भगवान है, ऐसे विश्वास होने से भगवान उसे छिपते नहीं, और भगवान है सब में है और मिलते हैं और मिले हैं तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे, ये हमारे हृदय में निश्चय हो जाएगा तो हम व्याकुल हो जाएंगे बिना भगवान के मिले। कभी एक प्रकार से धीर धारण नहीं करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर समित इंद्रिय ज्ञान लब्धवा परांग शांति मचरणादि गति। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। कैसा श्रद्धालु होना चाहिए कि साधु के ऊपर तत्पर हो, और कैसे होना चाहिए इंद्रियों और मन बुद्धि पर कंट्रोल हो, ऐसा नहीं। श्रद्धावान लगते ज्ञानं तत्पर है संगीत इंद्रिय। श्रद्धावान के विशेषण है कि साधन के ऊपर तत्पर, और तत्पर होने से मन इंद्रिया भस्म हो जाते हैं। ऐसे पुरुष को ज्ञान ऐसा मिलता है परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, और ज्ञान होने से परम शांति की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, विलंब का काम नहीं। इससे भगवान के मां मन ईश्वर के बीच के मां, परलोक के बीच के मां, महात्माओं के बीच के मां, शास्त्र के मां, प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके विश्वास करना। एक तो बात प्रत्यक्ष है और एक प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके ऐसा विश्वास करना चाहिए। एक तो उपाय ये बताया आपको कि भगवान की शरण का, दूसरा उपाय ये बताया कि भगवान के मन श्रद्धा। जो भगवान की शरण हो जाता है अपने आप को भगवान, अपने आप को सूंघ देता है भगवान के प्रति, और भगवान ने जिसको स्वीकार कर लिया तो भगवान का सिर पर उसके हाथ है। तो समझो कि जैसे गुरु एक लड़के के हाथ पर हाथ रख करके और लिखता है क्या क्या गया है, तो उसका लिखना ठीक होता है, ऐसे भगवान का जब मन इंद्रियों के ऊपर हाथ रहता है, कंट्रोल रहता है, तो उसकी क्रिया सब शास्त्र के अनुकूल ही होती है। इससे उसका तो उद्धार हो ही जाता है और उनका भी उद्धार हो जाता है। उनके क्रियाओं को देख रहे थे, उसके बर्ताव को देख करके
भाव बदल जाते। इसकी कसौटी है कि जो आदमी भगवान की शरण हो जाता है, बड़े की शरण हो जाता है, तो भगवान से बड़ा कोई है नहीं, फिर वो निर्भय हो जाता है, उसको किसी का भी भय नहीं रहता। और जब भय है तो भगवान की शरण नहीं, क्योंकि भगवान की शरण होने के बाद हमको भय करने की क्या जरूरत है, शरण में कभी नहीं रहनी चाहिए, फिर कोई भय नहीं। दूसरी बात श्रद्धा की, जब श्रद्धा हो जाती है तो श्रद्धा के साथ साथ प्रेम हो जाता है, प्रेम होने से अपने प्रेमी से वो अलग होना नहीं चाहता किसी हालत के, और श्रद्धा होने से दिल के वहां वीरता, गंभीरता, धीरता, ये सब गुण आ जाते। जब विश्वास हो जाता है कि भगवान है तो फिर अपनों क्या है, श्रद्धा होने से मन इंद्रिया सब काबू में आ जाते हैं, और साधन के वहां तत्परता हो जाती है। साधन में जो तत्परता है और मन इंद्रिया काबू में रहते सब रहती है, ये पुरुष बहुत उच्च कोटि का है। तीसरा उपाय बताया जाता है कि भगवान के मां प्रेम होना, केवल प्रेम से उसे भगवान मिल जाते। कैसा प्रेम होना चाहिए कि सारी संसार से प्रेम हटाकर केवल एक भगवान के मां प्रेम होना चाहिए सब प्रकार से, तो बहुत जल्दी काम बन जाता है। संसार के मां भी प्रेम करें और भगवान में भी करें तो वो एक प्रकार का उत्तम नहीं। संसार के भाइयों की सेवा तो जैसे कोई अपने घर के ऊपर अतिथि आ जाए और उसकी सेवा करें, इसी प्रकार से करें। और भगवान का जो नाम का जब शुभ का ध्यान भजन, ये तो भगवान के ही नाम पर सब कुछ होना चाहिए। तो भगवान की शरण होना और भगवान के वह श्रद्धा करना, और श्रद्धा से स्वाभाविक ही प्रेम भगवान में हो जाता है, नहीं हो तो विचार के द्वारा भगवान के मां प्रेम करना चाहिए कि संसार की तू धूल को क्यों चाड़ करके अपने समय को नष्ट करता है, क्या तू इस काम के लिए आया था कि मनुष्य का शरीर पागल के हार निद्रा और बेफिक्र समय बिताना, ये तो तुम पशु योनि में चले जाते तो वहीं तुम्हारे को मिल जाता, फिर मनुष्य शरीर का तुम्हारे को क्या लाभ हुआ। ऐसा मन के वहां बहिराग ला करके भगवान के वहां श्रद्धा करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। संसार के वहां प्रेम करने के योग केवल भगवान ही है, भगवान के समान हमारा हितेश कोई भी दुनिया में नहीं है। उमा राम सम ही तू जग हे माही, मातु बंधु केऊ नाही, हे उमा राम के समान अपना हित करने वाला दुनिया के बीच के मां कोई भी नहीं है, न कोई माता पिता गुरु है, न कोई बंधु है, कोई है ही नहीं संसार भगवान के समान, भगवान ही। ऐसा जान करके भगवान से दोस्ती करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। जब भगवान के साथ के वहां निष्काम भाव से प्रेम हो जाता है तो त्रिलोकी का राज उसको झुड़ के समान प्रतीत होता है, लोकी का ईश्वर जो है एक तुच्छ प्रतीत होने लगता है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर देखिए, हम लोगों को केवल भगवान में प्रेम करना चाहिए, वो प्रेम कैसा होना चाहिए, वो प्रेम अनन्य होना चाहिए, भगवान को छोड़कर अन्य किसी में नहीं रहना चाहिए। और वो प्रेम दूसरों में हुआ तो भगवान के लिए होना चाहिए, फिर वो भगवान के मां प्रेम है। कोई हमारे से प्रेम करता है किस लिए, बोले भगवान के मां प्रेम होने के लिए कि भगवान में हमारा प्रेम हो जाए, या भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो वो सब भगवान में ही प्रेम है। जैसे कोई भाई किसी से रुपयों के लिए प्रेम करता है तो वो रुपयों का दास है, रुपया ही प्रधान है उसके लिए, तो हमारा प्रेम भगवान के मां होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए, भगवान के मां प्रेम, प्रेम के लिए प्रेम होना चाहिए।
साधन भी प्रेम, उसका फल भी प्रेम। क्या चाहते हैं कि हमको प्रेम ही चाहते, उनको छोड़ ही चाहते। जैसे माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति उस रहस्य को समझ जाता है तो क्या चाहता है कि माता पिता की सेवा ही चाहता है। दक्षिण के बीच के वहां चंद्रभागा नदी के ऊपर पंडरपुर के बीच के वहां जो एक कुंडली के नाम का एक मनुष्य या एक जवान लड़का माता पिता का भक्त था, उन्होंने माता पिता की खूब सेवा करी और सेवा के एकदम प्रायण हो गया। भगवान की भक्ति उसके लिए माता पिता की सेवा ही भगवान की भक्ति है। वो तो माता पिता को साक्षात भगवान समझ के उनकी सेवा करता था। एक दिन भगवान आए और आकर के पिछू के बीच के वहां कहा कि कुंडली, मैं साक्षात परमात्मा तुम्हारे को दर्शन देने के लिए आया। तो एक ईंट थी ओ भगवान को बैठने के लिए, आसन के लिए वो ईंट तो रख दी। बोला इस पर आप बैठ जाए, मैं तुम्हारे से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो महाराज इस समय तुम उसको फुर्सत नहीं। अरे मैं साक्षात भगवान तुम्हारे से मिलने के लिए आया और तुम्हारे को फुर्सत भी नहीं है। तो उसने कहा कि आप बिना बुलाए क्यों आए। बोले भैया इसलिए आया मैं कि तू माता पिता का भक्त है तो एक प्रकार से मैं तुम्हारे को दर्शन देने के लिए आया। तो दर्शन देने के लिए आप आए तो बहुत कृपा करी, आप वैसे इनकी सेवा करने के बाद फिर आपसे मैं बातचीत कर सकूं। क्या माता पिता की सेवा का इतना भारी प्रभाव है जो बिना बुलाए आपको आना पड़े। पर भी ऐसा ही प्रभाव, तो आप बताइए आपसे बात करने के लिए मैं माता पिता की सेवा को कैसे छोड़ दूं जिसका इतना भारी प्रभाव है कि आपको एक प्रकार से बिना बुलाए आना पड़े। आप आए इस बात को लेकर कि मैं माता पिता का भक्त हूं, माता पिता की मेरी भक्ति को देखकर आप आए। तो भगवान उसके सन्मुख आ गए और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि तू क्या है, सो एक प्रकार से कहे हमारे। मैं खुश हो गया। अच्छा अब जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम वरदान मांग। बोले प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि माता पिता की जो सेवा है बस उसमें मेरा अनन्य प्रेम है, उसमें मेरा अटल भाव, क्योंकि जिसका फल आपकी प्राप्ति है तो मैं आपको क्या मांगू। मैं माता पिता की सेवा ही मांगू कि भाई सेवा में मेरी जो निष्ठा है वो एक प्रकार से अटल रहे, वो तो तुम्हारी है ही, तो बस और कुछ नहीं थी। तो साधन भी उसका माता पिता की सेवा और उसका फल भी माता पिता की। इसी प्रकार से हमारा साधन भी भगवान के वहां प्रेम हो, साधन भी प्रेम का और उसका फल भी प्रेम। हम भगवान से यही मांगे कि एक प्रकार से आप में हमारा प्रेम हो, तो ये निष्काम भाव है, मांग होकर के भी निष्काम भाव, तो भगवान प्रेमी के बची हो जाते हैं। तो हमको ऐसा भगवान में प्रेम करना चाहिए कि जिसके बल से, जिसके बल पर बिना बुलाए भगवान आ जाए। और आते हैं प्रेम, प्रेमी के यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ प्रेम है वहां बुलाने की क्या आवश्यकता है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहां भी बुलाने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि प्रेम जहाँ है वहां तो भगवान बिना बुलाए आवेंगे, और जहाँ प्रेम नहीं है वहां बुलाने पर भी नहीं आवेंगे। तो अपने को तो देखते रहना चाहिए क्या हो रहा है। कोई भी प्रकार की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं, न तो हम लोगों को जीने की इच्छा करनी चाहिए और न कोई मरने की इच्छा करनी। जीने की इच्छा से हम एक दिन अधिक जी नहीं सकते और मरने की इच्छा करने से हम एक दिन पहले मर नहीं सकते, तो दोनों इच्छा व्यर्थ है, तो इच्छा करनी नहीं चाहिए। जैसे एक रोगी आदमी है,
और पथ से रहता है तो उसको औषध की आवश्यकता नहीं, और पथ से नहीं रहता है तो औषध की आवश्यकता है, क्योंकि यदि पथ नहीं रखता है तो कितनी औषधि खाएं वो औषधि कुछ भी काम नहीं देगी, और पथ से है तो पथ से आराम हो जाएगा, औषधि कोई जरूरत नहीं। तो दोनों प्रकार से थी, पथ रखता है ना उसके लिए, और पथ नहीं रखता उसके लिए औषधि से व्यर्थ है। इसी प्रकार से थी, इच्छा करना से व्यर्थ है, कोई भी प्रकार की इच्छा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छा की पूर्ति तो होती नहीं, तो क्यों इच्छा करके अपनी इज्जत ही क्यों देवे, कोई बात की इच्छा नहीं करनी। कोई भी बात की मनुष्य इच्छा करता है और कहीं तुक भी जाती है, इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तो वो बात होने ही वाली थी, कोई उसके इच्छा करने से नहीं हुई, नहीं इच्छा करता तो वो बात होती, तो फिर हम व्यर्थ की इच्छा करें ही क्यों, तो इच्छा करना ही मूर्खता है। ये बात समझ करके अपने को कोई काम की कभी इच्छा करनी नहीं चाहिए, संकल्प रहित होना चाहिए। भविष्य के लिए कोई प्रकार का मनुष्य संकल्प करता है तो उसको अवश्य जन्म लेना पड़ता है, और जिसके हृदय में कोई बात की इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है, उसका फिर जन्म सुनी होता है। और महात्माओं के हृदय में न कोई संकल्प होता है न कोई इच्छा होती, जो भी कुछ आकर के प्राप्त हो जाए बस उसी में आनंद है, तो अपनी तरफ से इच्छा या संकल्प कुछ भी नहीं करते महात्मा जो है। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 ஆனந்தா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 ன